हाय, मेरा नाम है यश और एक नया वीडियो लेके आ चुका हूँ। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है कि इस वीडियो में आपके साथ एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ और वो टॉपिक का नाम है कि कौन सी कॉलेज आपको 6 बैंड ईच पे आपको एक्सेप्ट या आपको ऑफर लेटर भेज देती है। तो मैं आप सभी के साथ उन सारी कॉलेजेस की लिस्ट आपके साथ शेयर करूंगा और आपको बताऊंगा कि ये कॉलेज आपको 6 बैंड ईच पे ऑफर लेटर या आपको एक्सेप्ट कर देगी, तो आपको अच्छे से आइडिया आ जाएगा। बट उससे पहले मैं आपको 2 सजेशन देना चाहता हूँ, तो वो आप ध्यान से सुन लीजिए। तो सबसे पहला सजेशन है कि अगर आपके आज के चारों मॉड्यूल में से एक भी मॉड्यूल में आपके 5.5 बैंड आए हैं, तो प्लीज रीअपियर इन द आईएलटीएस एग्जाम एंड ट्राई टू गेट ओवरऑल 6.5 बैंड, क्योंकि आपको वीजा आने के चांसेस बढ़ जाएंगे अगर आपके 6.5 बैंड है तो। और आप अंडर एफडीएस कैटेगरी भी अप्लाई कर सकोगे और आपके अच्छे से अच्छे कॉलेज आपको मिल जाएंगे। दूसरा सजेशन यह है कि अगर आपके ओवरऑल 6 बैंड है, चारों मॉड्यूल में 6 बैंड आए हैं, तो प्लीज अगर आप ट्राई कर सकते हो, दूसरे ट्राई में आप 6.5 बैंड ला सकते हो, आप में कॉन्फिडेंस है, तो प्लीज रीअपीयर इन द आईएलटीएस एग्जाम एंड ट्राई टू गेट 6.5 बैंड ओवरऑल, क्योंकि 6 बैंड पे आपको कॉलेज मिल जाएगी बट उसकी लिस्ट बहुत ही कम हो जाएगी। बट अगर आप 6.5 बैंड ला दोगे तो आपको कॉलेजेस की लिस्ट बढ़ जाएगी और आप अच्छे से अच्छे कॉलेज में पढ़ पाओगे और आपका फ्यूचर अच्छे से अच्छे बन जाएगा। तो प्लीज अगर आप ला सकते हो तो प्लीज रीअपीयर इन द आईएलटीएस एग्जाम अगेन एंड ट्राई टू गेट ओवरऑल 6.5 बैंड। तो प्लीज अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलो मैं आपको बताता हूँ कौन सी कॉलेज आपको 6 बैंड ईच पे ऑफर लेटर या आपको एक्सेप्ट कर देती है। तो चलो अब मैं आपको सारी कॉलेजेस का नेम बताता हूँ और उन कॉलेजेस में आप 6 बैंड ईच पे अप्लाई कर सकते हो और आप अंडर एसडीएस कैटेगरी भी अपनी फाइल रख सकते हो। तो टोटल 4 कॉलेजेस है, तो उनमें से सबसे पहली कॉलेज है हमारी सेंट क्लेयर कॉलेज। तो सेंट क्लेयर कॉलेज के कई सारे कैंपसेस आपको मिल जाएंगे और उनमें आपको कई सारे प्रोग्राम्स भी मिल जाएंगे, बट मेक श्योर करना है कि आपको प्रोग्राम रिलेवेंट सिलेक्ट करना है, क्योंकि अगर आप प्रोग्राम रिलेवेंट सिलेक्ट नहीं करोगे तो आपके वीजा नहीं आएंगे। तो आपको प्रोग्राम आपको पास्ट में जो भी आपने स्टडी किया हुआ है उससे आपका कनेक्ट होना चाहिए, तो ही आपके वीजा आएंगे, क्योंकि आप पहले 6 बैंड ईच पे आप अप्लाई कर रहे हो। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि प्रोग्राम रिलेवेंट होना चाहिए और ये कॉलेज आपके लिए अच्छी है। दूसरी कॉलेज है हमारी सॉल्ट कॉलेज। तो सॉल्ट कॉलेज में आपको 10-12 प्रोग्राम्स आपको मिल जाएंगे और आपको मेक श्योर करना है कि प्रोग्राम रिलेवेंट होना चाहिए, और दूसरा है कि आपका एसओपी अच्छे से अच्छे लिखा होना चाहिए, क्योंकि आपको एसओपी पे ही आपका वीजा टिका हुआ है। तो आपको अच्छे से एक्सपीरियंस कंटेंट राइटर को ढूंढ के आपको अपनी एसओपी लिखवानी और आपका रिप्रेजेंटेशन, आपकी प्रोफाइल का रिप्रेजेंटेशन अच्छे से अच्छा होगा, तो आपके वीजा आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और आपको खुद से ट्राई नहीं करना है अपना एसओपी लिखने का, आपको अच्छे से कंटेंट राइटर को ढूंढ के, एक्सपीरियंस कंटेंट राइटर को ढूंढ के ही अपनी एसओपी लिखवानी है। तीसरी कॉलेज हमारी है कैनेडोर कॉलेज। तो कैनेडोर कॉलेज के भी कई सारे कैंपसेस हमको मिल जाएंगे और उन कैंपसेस में भी आपको कई सारे प्रोग्राम्स मिल जाएंगे और ये कॉलेज अच्छी है। तो इस कॉलेज में भी आप 6 बैंड ईच पे अप्लाई कर सकते हो और अंडर एसडीएस कैटेगरी भी आप अप्लाई कर सकते हो, बट आपको 2 पॉइंट मैंने जो बताए उनको आपको ध्यान से समझना है और आपको एसओपी भी अच्छी होनी चाहिए और आपका प्रोग्राम भी रिलेवेंट होना चाहिए। चौथी कॉलेज है हमारी स्टर्लिंग कॉलेज। तो ये भी कॉलेज आपके लिए अच्छी है, तो इस कॉलेज में भी आप अप्लाई कर सकते हो और इनके भी कई सारे कैंपसेस और कई सारे प्रोग्राम्स मिल जाएंगे आपको। तो इन 4 कॉलेज में आपको 6 बैंड ईच और अंडर एसडीएस कैटेगरी आप अप्लाई कर सकते हो। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और आपको कोई भी डाउट है तो आप इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो या आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं आपको जरूर आपको रिप्लाई दूंगा। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो पे।